अंगद देगा साहिबा को चैलेंज की, देखता है कितने दिन तक चैन से रह पाती है। मैं मैनेज कर लूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, मैं अभी देखता हूँ कितने दिन तक यहाँ पर चैन से टिक पाती हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हारी बातों का मुझ पर या घर के किसी भी मेंबर पर कुछ असर होगा। दारजी के पास जाकर रोने गाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें जितना मिल रहा है उसके काबिल भी नहीं हो। तो गैरी करेगा सीरत से सवाल, पूछेगा कि अमीर है या गरीब। क्या हुआ गैरी, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत पता चल गई। पूछोगे नहीं किस हकीकत की बात कर रहा हूँ? बोलो ना, कितने अमीर हो, कितने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हो, कितने बिजनेस चल रहे हैं तुम्हारे? Come on, speak up. धोखा दे रही थी मुझे, चीट कर रही थी मुझ पे, फ्रॉड। बस चिल्लाओ मत। और तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? हाँ मुझे। अगर मैं धोखेबाज हूं तो तुम क्या हो? तुमने तो अपने बड़े भाई को धोखा दिया है, उसकी होने वाली बीवी को भगा के लेके आए हो। सीरत देगी गैरी को वार्निंग कि उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। एंड लिसन, आज के बाद अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो देख लेना। और ये इल्जाम निजाम लगाने की जरूरत नहीं है, वरना अगली बार ऐसा किया तो मैं तभी के तभी अंगद को फोन करके सब बता दूंगी कि मैं किसके साथ भागी हूं और क्यों। हाँ नहीं तो क्या हुआ गैरी, क्या सोच रहे हो? वो तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ यार, कैसा सा वॉशरूम है इनका, गीजर तक नहीं चल रहा है। लेकिन तुम मुझे ऐसे अजीब तरीके से क्यों घूर रहे हो? खून ही रहा हूँ जान, निहार रहा हूँ तुम्हारे चांद से चेहरे को। सोच रहा था कि रब किसी को इतना खूबसूरत कैसे बना सकता है। हाँ। तुम अभी के लिए मैनेज कर लो, मैं मैनेजर से बात करके फिक्स करवाता हूँ। ओके, आई मैनेज।